अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा बैक टू बैक दुरंतों की जर्नी आ रही थी और एक्सप्रेस मैंने छोड़ दी थी, पर दरअसल में क्या हुआ 15 दिन से मैं बाहर निकला पड़ा हूँ, तो भाई घर की याद भी बहुत ज़रूरी आनी है। अभी मैंने इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस कवर करी, उसके बाद इंडिया की सबसे छोटी दुरंतो एक्सप्रेस कवर करी, आज मैं लेके आऊँ मिलेनियम एक्सप्रेस जो कि एर्नाकुलम केरला से चलती है, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक जाती है, और मैं बोर्डिंग कर रहा हूँ नागपुर ऑरेंज सिटी। यहाँ की जो ऑरेंज बर्फी है ना बड़ी लाजवाब होने वाली। अपनी जो मिलेनियम एक्सप्रेस है भाई वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और मैं आपको बताऊं इसकी जो किराया है ना नागपुर से दिल्ली तक का 575 रुपये पागी। आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट IRCTC से चेक करके ही लें। और अपनी जो ट्रेन है ना 12645 मैं आपको बताता हूँ हफ्ते में एक दिन चलती है, एर्नाकुलम से चलती है हर हफ्ते में एक दिन सैटरडे को, और निजामुद्दीन चलती है ट्यूसडे को, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। और नागपुर आते हो तो ऑरेंज बर्फी ज़रूर खा के जाना। तो अपनी ट्रेन जो है 5 मिनट में आने वाली है, देखो पूरा प्लेटफॉर्म जो है भाई खाली पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि मैं ही बोर्डिंग करूँगा इस ट्रेन से। तो आन दो अपनी ट्रेन, दिखाते हैं आपको अपनी पूरी जर्नी। बाबा कंटेंट पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा भाई कंटिन्यू मेहनत कर रहा है और कंटेंट लेके आ रहा है। एक बात और, मैं ट्रेन के अंदर का भी कंटेंट दिखाऊंगा और ट्रेन के बाहर का भी कंटेंट दिखाऊंगा। तो हमारी मिलेनियम एक्सप्रेस यहाँ पर आ चुकी है अपने ICF कोच के साथ, देख सकते हो भाई रैग 9 लगा हुआ है इसमें। टाइम देखो 1:05 हो गया, देख रहे हो निर्धारित समय से 1 घंटे लेट आई है भाई, 12:20 का टाइम था और ट्रेन पता नहीं कहाँ फंसी रही। अब देखते हैं आगे कहाँ कहाँ फंसेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। ये है अपना कोच S8 में 34 नंबर सीट तुम्हारे भाई की मिली है, वो भी मिडिल बर्थ। भाई मिडिल बर्थ बेकार सीट होती है, बहुत ही बेकार। चलते हैं अपने S8 में और अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं एक अद्भुत लेवल के साथ। और भाई लोगों के अंदर देखो दिमाग कितना है, सब इसी गेट से घुस रहे हैं, भीड़ हो रही है दबाकर, और आगे वाला गेट पूरा खाली पड़ा है, देख रहे हो कितना तो दिमाग है लोगों के अंदर। भाई यहाँ से भी तो जा सकते हैं पर नहीं, जाएंगे तो सब वहीं से जाएंगे। भाई देखते हैं अपनी 34। तो चलिए अब मैं आपको अपनी सीट दिखाता हूँ, इंडियन रेलवे की सबसे बुरी सीट मिडल बर्थ। भाई आइए, चाय चल रही है यहाँ पे, ये है मेरी सीट मिडल बर्थ। कहते हैं भाई बड़ी बुरी सीट है इंडियन रेलवे की मिडल बर्थ, और वाकई में भाई मैंने साइड लोअर बहुत ली पर घर जाने की खुशी इतनी थी तो मिडल बर्थ ही ले ली। भाई क्या करूं दो बार कैंसिल करी मैंने, दोनों बार मुझे वही मिडल बर्थ ही मिली। भाई अब कोई नहीं, चलता है, एक दिन की बात है तो कोई चलता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अपनी जो ट्रेन की टॉप स्पीड यहाँ पर आप देख सकते हो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी ट्रेन चलेगी, और यहाँ पर सिग्नल भी हो चुका है, वो सिग्नल हो चुका है, GoPro से नहीं दिखेगा भाई। तो चलते हैं, धक्का भी लग गया गाड़ी के अंदर। आइए तो चलिए देखते हैं ऑरेंज सिटी का डिपार्चर भाई, और मैं अभी भी कह रहा हूँ ऑरेंज सिटी ब्यूटीफुल है भाई। इस यहाँ का जो डायमंड क्रॉसिंग है ना वो भी ज़रूर देखना अगर आप यहाँ पर आते हो स्टेशन से, 500 मीटर थोड़ा आगे पैदल जाना पड़ेगा, तो डायमंड क्रॉसिंग भी ज़रूर देखना। तो ये है यहाँ का डिपार्चर, और यहाँ पर आपको रिटायरिंग रूम भी मिल जाएंगे 150 रुपीज़ में 24 घंटे के लिए, आप वहाँ पे भी रुक सकते हो, मैं वहाँ पर रुका था पूरे दिन के लिए। नागपुर
चलिए अभी मैं अपनी सीट पर चलता हूँ, अपना बैग जो है उसको चैन से पहले बांध दूँ, चैन से मतलब कि लॉकर से बांध दूँ, उसके बाद आगे के बारे में सोचते हैं क्या करना है। तो फिलहाल रात में अब आएगा बेटू वगैरह आएगा, और देख रहे हो सब सो रहे हैं भाई, देख सकते हो, तो इसलिए अब रात में मैं भी आराम कर लूँ। अब जो कुछ दिखाने का होगा वो मॉर्निंग में दिखाऊँगा, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों। सोना भी बहुत ज़रूरी है पूरी रात, अगर जगेंगे तो फिर मॉर्निंग में जब भी लेंगे तो विरंगारा लक्ष्मी बाई वगैरह कुछ नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए जाते हैं सोते हैं। आप भी जब तक सो जाओ, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से वीडियो देखने वालों के लिए एक प्यारी सी सुबह की गुड मॉर्निंग। फाइनली हम आ गए हैं वरंगाना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन, जिसको पहले बोलते थे झांसी, पर यहाँ की जो सरकार है उसने इसका नाम चेंज कर दिया, अब इसको बोलते हैं वरंगाना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन, पर झांसी के नाम से अभी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है ये जगह। और मैं आपको बताऊँ प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म है, ट्रैक है भाई 13, और 13 ट्रैक क्यों है क्योंकि यहाँ पर सारा मालगाड़ी से अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है, और दिल्ली से कोई भी ट्रेन चलती है कंटिन्यू, ऐसी संपर्क क्रांति भी हैं जो कि दिल्ली से चलती है डायरेक्ट झांसी रुकती है। झांसी में एक दिन में 280 ट्रेन का यहाँ पर होल्ट दिया गया है भाई, बहुत बड़ी बात है। और झांसी रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था 1880 में, और इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया था 1986 से लेकर 1987 के बीच। और भाई मुझे ये देखो क्या देखने को मिला, सबसे पहली बार देखो कितना गैप है, 3 उंगली का गैप है ट्रेन में और प्लेटफॉर्म में भाई, बिल्कुल ही चिपका रखा है भाई। तो इसलिए इस रेलवे स्टेशन पर आप कभी भी आते हो, गेट पर बैठे हो तो पैरों को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो भाई पैर कुचल जाएंगे आपके, बिल्कुल ही गैप नहीं है भाई, तो बच के रहना इन चीज़ों से भी भाई। तो हमारा डिपार्चर 7 मिनट बाद हो चुका है, और मैं आपको बताऊं गाड़ी जो थी 13 मिनट लेट थी, तो अराउंड 5 मिनट यहां पर कवर हो गई। और एक बात को हमेशा ध्यान रखना, आपको ऐसे पर्चे मिलेंगे, देख लो ये ऐसे ऐसे पर्चे मिलेंगे आपको, इन लोगों से खाना कभी मत मंगवाना। इटारसी पर भी मुझे पर्चे दिए गए थे, मैंने इनसे खाना मंगवाया और भाई इतना गंदा खाना दिया था रात के टाइम कि बस पूछो मत, दिन में मंगाया था वो भी इतना गंदा खाना। कंप्लेंट करते हो ठीक है, आपकी कंप्लेंट इरेज कर लेंगे, आपकी कंप्लेंट देख लेंगे, कुछ नहीं होता, इसलिए ध्यान रखें इन पर्चों वालों को खाना मत मंगाए। और देखिए खाना आपको मंगाना है तो चलिए मैं अगले स्टेशन में बुक करता हूँ खाना, और देख रहे कितने रुपए का खाना आएगा और कितना बढ़िया खाना आएगा। तो ये है झांसी का डिपार्चर, देख सकते हो पूरा स्टेशन खाली हो गया, देख रहे हो पता वरंगाना लक्ष्मी बाई झांसी नहीं लिखा हुआ था, तो काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी यहाँ पर, तो इसलिए वरंगाना लक्ष्मी बाई करके झांसी कर दिया गया दोबारा, देख रहे हो साइड में झांसी लिख दिया है, ये देखो। इंडियन रेलवे के
फूड ऑन ट्रैक से खाना बुक करा है, महाराजा थाली ओनली 95 रुपीज़ की। भाई अब देखते हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर क्या हमें वो मिलेगी या नहीं मिलेगी या फिर झूठ है, और पूरा खाना दिखाएंगे आपको किस तरीके का आता है। और सामने जा रही है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, मैं इससे 2-3 बार सफ़र करा गोवा तक के लिए। भाई ट्रेन बिल्कुल बेकार है, एक मंगला लक्षद्वीप एक झेलम एक्सप्रेस, दोनों पिटी हुई गाड़ी, देख रहे हो। अब अपना ग्वालियर जंक्शन आ चुका है, देखते हैं अपना खाने वाला बंदा कितनी देर में अपनी सीट पर आता है। और 2 मिनट का होल्ड है, ग्वालियर जो है उसका स्टेशन कोड है GWL। देखते हैं भाई कब आता है, बाहर से देगा या अंदर से देगा। फिलहाल मेरे ख्याल से, अरे भाई 34 भाई 34 का लाया हो क्या? 34 का, हाँ 97। मेरा खाना दिखाना, ये है मेरा यहाँ पे खाना आया, देखते हैं 120 दिखाना बिल कितने का ला के दिया उन्होंने मुझे, 120 रुपये का ला के दिया है ना भाई, 120 का खाना, ये है 120 रुपये पूरे, ठीक है। तो दिखाते हैं खाना आपको कैसा है एक बार। तो चलिए पहले आप इसका डिपार्चर देखिए, उसके बाद ये खाना मैं खोलूँगा एकदम सही तरीके से। पहले इसका डिपार्चर देखो भाई, ग्वालियर का ये था ग्वालियर रेलवे स्टेशन का डिपार्चर, और मैंने सीट चेंज कर ली ताकि अच्छे अच्छे व्यूज़ आपको, अच्छे अच्छे मोमेंट पल दिखाऊँ, इसलिए मैंने सीट चेंज कर ली। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन रेलवे का एक गर्मा गर्म खाना, यहाँ पर मिली है मुझे ये है टमाटर आलू की सब्ज़ी, ये है भाई दाल देख लो, अरहर की दाल है, देख रहे हो गाढ़ी गाढ़ी। और ये क्या है, ये है कढ़ाई पनीर, देख रहे हो 2 पनीर के पीस हैं बस। और यहाँ पे एक स्वीट है, बाकी देखो भाई ट्रेन के अंदर नान मिली है, बहुत बड़ी बात है ट्रेन के अंदर नान मिलना है भाई, बाकी चावल है। तो अमेजिंग, खा के देखते हैं एक बार, इसको तोड़ते हैं, बहुत टाइट टाइट नान है भाई, मेरे दांतों से तो टूटी नहीं थी, ये समझ लो कितना बुरा हाल है इस नान का। अब मैं लूँगा शायद, शाही पनीर में नमक बहुत तेज है, दबा के डाल देना, दबा के मज़ा नहीं आया दोस्त, पता नहीं क्यों आज मज़ा नहीं आया। जैसा भी मिल गया, सफ़र तो काटना है, अब वही मेरे साथ हुआ, मज़ा नहीं आया। बाकी देखने में तो ठीक लग रहा है पर वो मज़ा नहीं आया जो चाहिए। वेस्ट पैसे,
तो फाइनली निर्धारित समय से हम आ गए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है AGC आगरा कैंट। और मैं आपको बताऊं, आगरा की तीन चीज़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो है आगरा का एक पंछी पेठा, दूसरा आगरा का ताजमहल जो कि पूरे वर्ल्ड में ही मशहूर हो गया है, और तीसरा है आगरा का पागलखाना जो बीच में इतना मशहूर हो गया था, कहते कुछ भी लड़ाई होती थी तो कहते भाई इसको आगरा में भर्ती करा दो। ये है आगरा की तीनों निशानियाँ जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गई थी। और हाँ, आगरा रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ई रिक्शा, जो चार्ज होने वाले रिक्शे होते हैं ना बैटरी वाले, वो आपको मिल जाएंगे, जो कि ताजमहल तक डायरेक्ट आपको उतारेंगे उसके गेट के बाहर, और वहाँ से आप अंदर भी जा सकते हो पैदल। और हाँ, जैसे ही आप ई रिक्शे से उतरेंगे किसी से पूछ लेना ब्रिजवासी कचौड़ी वाला कहाँ पर लगाता है, तो ब्रिजवासी की कचौड़ी भी एक बार आप आगरा में ज़रूर खाना, बहुत ही मशहूर है भाई। तो ये था आगरा रेलवे स्टेशन की जानकारी, अब है नेक्स्ट स्टेशन की बारी। तो आगरा से हमारा 5 मिनट का होल्ड था और यहाँ से हम निकल चुके हैं आगरा कैंट से। और देखो भाई कितना साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, देख रहे हो कूड़ेदान के पास भी कितनी साफ़ सफाई है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। और देख रहे हो यहाँ से इस ट्रेन के अंदर टूरिस्ट लोग ज़्यादा बैठे, क्योंकि वो लोग आए होंगे आगरा घूमने और वापस जा रहे हैं दिल्ली, शाम तक पहुंच जाएंगे आराम से। ये देख रहे हो, और वहाँ पता नहीं क्या लफड़ा हो गया। और सामने आइए फिरोजपुर छिंदवाड़ा एक्सप्रेस। कृष्ण जन्मभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मथुरा जंक्शन, यानी इसका स्टेशन कोड है MTJ। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म है, और मैं आपको बताऊँ अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से हो तो मैं तो एक बार ये बोलूँगा कि एक बार कमेंट में जय श्री कृष्णा तो बोलना पड़ेगा। अगर आप मथुरा आते हो तो मथुरा के पेड़े, मथुरा की लस्सी और मथुरा की कचौड़ी, और आप हाँ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ के मथुरा के बहुत ही ज़्यादा फेमस है बांके बिहारी जी का मंदिर। और मथुरा उतरते हो आप, मथुरा रेलवे स्टेशन उतरते हो तो यहाँ से एक ट्रेन जाती है रेल बस, जो कि 130 साल पुरानी है, और मैं आपको बताऊँ 30 रुपये उसका किराया है, और यहाँ से वृंदावन लेके जाती है एक अलग ही जर्नी के साथ। भाई बहुत मज़ा आता है, मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ट्रेन चल दी भाई। बात करते करते ट्रेन भी चल दी भाई, 5 मिनट का होल्ड दिया गया था उतने में ट्रेन चल दी, बताओ। ये है यहाँ का डिपार्चर।
लेके दे रहा हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, हजरत निजामुद्दीन से चलकर तिलक ब्रिज नई दिल्ली के रास्ते कुरुक्षेत्र को जाने वाली गाड़ी संख्या 044-05 हजरत निजामुद्दीन कुरुक्षेत्र स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। तो फाइनली 1080 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद आखिरकार दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन आ ही गए भाई। और कंटिन्यू 15 दिन से मैं निकला पड़ा था निजामुद्दीन से। इंडिया की लॉन्गेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस जो जाती है केरला के एर्नाकुलम तक, और वापस भी मैं 15 दिन बिल्कुल ट्रैवलर करते करते उसके बाद भी मैं मिलेनियम एक्सप्रेस से वापस आया, जो कि केरला से आती है बट मैंने नागपुर से पकड़ी। तो देख रहे हो कितनी कंटिन्यू बीच में जर्नी बनाई है ना, आपने देखी होगी बैक टू बैक। तो फिलहाल कैसा लगा कंटेंट एक बार ज़रूर बताना, और मेरे को अपने घर जाने की बहुत खुशी है ना भाई इस टाइम, क्या बताऊँ। तो भाई कौन सा पल आपको अच्छा लगा इस जर्नी के अंदर कमेंट मार के ज़रूर बताना। अगर आप पर्सनल बातें करना चाहते हो तो राहुल बाबा की मस्ती करके इंस्टाग्राम पे आओ और मैसेज करो, मैं पक्का रिप्लाई देता हूँ भाई, सबका रिप्लाई देता हूँ, सबका A to Z। और भाई ये देखो यहाँ पे काम हो रहा है, उसकी वजह थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही होगी या फिर तेज बोलना पड़ रहा है। और हाँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, और स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान में ट्रेन की साफ़ सफाई में सहयोग कीजिए भाई। तो ठीक है, टाटा एंड बाय, मिलेंगे फिर कोई ना कोई ट्रेन में आप मैं और #इंडियन रेलवे के साथ।